गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू विल कम्प्लीटेड योर प्रीवियस वर्क. देन टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 4.10. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट. एंड लेट अस स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 4.10. क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स. हमको इन सारे सम्स को सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व, आइए सीखें. क्वेश्चन नंबर 1 है ए 45,323 प्लस 85,673 माइनस 55,432. यानी कि अब हम इनको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये ब्रैकेट है माइनस के बीच में, तो हम पहले माइनस करेंगे ये हमारा, तो इसके हम ब्रैकेट कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर. तो ब्रैकेट के अंदर करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम माइनस वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे सी में, चाहे डी में, चाहे ई में, चाहे एफ में. ठीक है, पहले हम माइनस वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर जितना आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, हर क्वेश्चन में देखिए आइए कैसे करना है. तो हमारा ये क्वेश्चन ये रहा, 45,323 प्लस 85,673 माइनस 55,432. तो मैंने इसको ब्रैकेट में कर लिया कि आपको पता रहे. तो लेट स्टार्ट. मैंने ये माइनस वाला पार्ट जो ज़्यादा है 85,000 है, तो ये ज़्यादा है, 55,000 ही कम है. तो मैंने 85,000 को ऊपर रखा, 55 को नीचे. तो मैंने माइनस कर लिया, 3 में 2 1, 7 में 3 4, 6 में 4 2, 5 में 5 0, 8 में से 5 3. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इसका. अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा इसके बाद इतना ही आएगा. ठीक है, इसके बाद हमारा इतना ही आएगा. हम ब्रैकेट में तो हमारा ये बचा खाली, तो हम इसको अगर यहाँ रखेंगे तो ये प्लस इतना ही होगा, तो ये हमारा ख़त्म, इतना आंसर आ गया. अब इसको हम नीचे रख के इसके साथ ऐड कर देंगे. ठीक है, मैंने वही किया, ये आंसर रखा 13,241. इसको राइट डाउन किया एंड ये हमारा ऐड वाला जो 45,323 हमने यहाँ राइट किया एंड इसको ऐड कर लिया, 314426325505437. जो ये हमारा आंसर आया ये फाइनल आंसर होगा. तो ये हमारा इसका आंसर होगा. ऐसे ही हमको ये सारे क्वेश्चन हल करने हैं, सॉल्व करने हैं, मींस बी सी डी ई एफ ऐसे ही करने. ठीक है ना, माइनस वाला पार्ट पहले, माइनस करने के बाद फिर जितना आंसर आएगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे. ठीक है ना, अब जिसमें ब्रैकेट में ये ऐड वाला पोर्शन है तो ये हमारा ज़्यादा है, तो ब्रैकेट वाला हम पहले सॉल्व कर लेंगे. तो इसको दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जितना आंसर आएगा उससे इसको माइनस कर देंगे. ठीक है ना, ये ऊपर लिख देंगे, जो ऐड वाला आएगा वो नीचे लिख देंगे, फिर माइनस कर देंगे. इसमें ये भी 79,000 है, 40,030, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे. ठीक है, या तो हो सके पहले इसको इसको माइनस कर लो, इसको लिखने दो, इसको नीचे लिख के माइनस कर दिया, जितना है उसको इसमें ऐड कर दिया, सेम आंसर आएगा, चाहे ये पहले कर चाहे वो कर. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रीड द वर्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्व. अब हमको ये वर्ड पढ़नी और सॉल्व करनी. क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट द नंबर शुड बी एडेड द सम ऑफ 12,725 एंड 46,891 टू गेट 82,600. यानी कि इसमें बोला गया है कि हमको इन दोनों के सम में कितना ऐड करना पड़ेगा कि इतना हमें मिल जाए. तो हमको इनके दोनों में ऐड करना पड़ेगा कि इतना इतना हमको मिल जाए. तो कितना कितना ऐड करना है ये हम आपको देखते हैं. तो ये एंड लिखा है और सम लिखा है. अगर सम लिखा है तो हमको ऐड करना है, अगर डिफरेंस लिखा है तो माइनस करना है इन दोनों को, एंड वालों को. ठीक है ना, तो इसमें सम है तो ये और ये जो एंड के दोनों तरफ होंगे नंबर, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया. ठीक है ना, जितना आंसर आएगा ऐड करने के बाद उतने में से ये माइनस कर देंगे. ठीक है ना, 82,600 में से उतना माइनस कर देंगे जितना इन दोनों का ऐड होगा. फिर माइनस करने के बाद उतना नंबर हमको मिल जाएगा, उतने में ये तीनों हम ऐड कर देंगे तो इतना हमारा बन जाएगा. देखिए कैसे करना है. ये रहा, मैंने पहले ऐड वाले लिखे हैं दोनों, जो 12,725 है एंड 46,891 है. तो मैंने दोनों को ऐड कर लिया, कितना आया, 59,616. तो इतना ही आ गया. तो अब 82,600 हमको लास्ट में पाना है, तो हमको कितना नंबर और चाहिए इन दोनों के अलावा. तो वही मैंने देख किया, माइनस कर दिया जितना हमारा ये टोटल ऐड आया, हमने यहाँ उतारा, यहाँ से इसको माइनस कर दिया. अब इतना जो नंबर आया है 22,984, ये हमारा फाइनल मार्क है. यानी कि आंसर है कि इतना हमको ऐड करना है इस दोनों में,
तो इतना हमको मिल जाएगा। आप एक बार करके देख भी सकते हैं, ये और ये नंबर तीनों ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें इतना ऐड कर दीजिए तो ये हमारा नंबर आ जाएगा। अगर आता है तो बिल्कुल सही है, नहीं आता तो आप रॉन्ग है, इसमें तो आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन ये हमको सॉल्व करने, बी सी डी ई एफ, ठीक है। व्हाट द नंबर शुड बी एडिट द डिफरेंस, इन दोनों में से माइनस कर देना है। फिर इक्वल द देयर सेम, यानी इन दोनों में से माइनस कर देना है, जितना नंबर आएगा उतना ही हमारा इन दोनों में का सम होगा, यानी डिफरेंस होगा बिटवीन दोनों के बीच का, ठीक है। सी नंबर ऐसे ही इन दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद इसमें से माइनस कर देना है, जितना आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ए में भी सबट्रैक्ट द सम, इतना इतना फ्रॉम इतना, यानी कि दोनों को ऐड कर देना है, फिर इतने से घटा देना है, इसी तरह सब करने हैं, ठीक है ना। आप सॉल्व करिए। एंड बात आती है, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, एंड हो गया, अब टेस्ट योर स्किल पार्ट, ये आपको सॉल्व करना है, आपको अपना स्किल टेस्ट करनी है विदाउट एनी चीटिंग, एंड अप्लाई योर स्किल पार्ट ये, एंड मैथ लैब तो आपको रीड कर लेना है कैसे क्या हुआ है, और ये मेंटल मैथ जो पार्ट है ये आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। मेंटल मैथ पार्ट सॉल्व करके ये वर्कशीट आती है लास्ट में, वर्कशीट आपको देखनी है, पढ़नी है, समझनी है, और ये नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करना है, ये वाला, ठीक है ना। अब मिलते हैं चैप्टर 5 में, जितना वर्क आपको दिया गया है आप कंप्लीट करिए प्यार से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।